हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि निक्की के चाचा चाची आए हैं, निक्की चाची के साथ मस्ती कर रही थी, तो कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो फिलहाल आज है 3 जून, तो आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। एक तरह से तो मैं खुश भी हूँ, पर एक तरह से बुरा भी लग रहा है। मेरी ज़िंदगी के 1 साल कम होने को भी आया है और मुझे आज 26 एवर कंप्लीट होके 27वां शुरू हो चुका है, तो 26 साल कंप्लीट होके 27वां आज से शुरू हो चुका है। तो आज मेरा बर्थडे है, तो अब बर्थडे में मैं केक वेक तो कुछ काटूंगी नहीं क्योंकि मैंने एनिवर्सरी में केक तो काटा ही है, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, बर्थडे में केक काटना अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में काटना चाहिए था। बचपन में हमने केक काटा नहीं क्योंकि गाँव में ऐसा केक काट के सेलिब्रेशन पहले नहीं होता था, तो हल्के से पूरी छोले ऐसे बना के अपना ही घर में खा लेते थे, यही हमारा बर्थडे होता था। तो फिलहाल आज मैं केक एक तो नहीं काट रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा, हल्का फुल्का कुछ खाने में देखेंगे। तो आप लोग भी मुझे विश कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मैंने दिन भर में कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि अपने ही काम में थे, उसके बाद धूप भी लगी है, दोपहर में हम बाहर निकलने जैसा नहीं होता, तो क्या वीडियो बनाती, और दिन में अंदर ही रहते हैं तो अंदर का ही अपना काम किया, तो यही चीज़ें थी। तो फिलहाल हमारा प्लान है अभी कि हम छोटा सा पिज्ज़ा ऑर्डर करेंगे और पिज्ज़ा खाएंगे घर वालों के साथ। तो घर में निक्की के चाचा चाची भी हैं और हम लोग भी पिज्ज़ा खा लेंगे इसी बहाने से, क्योंकि केक एक कट करने वाले नहीं है। तो अगर पिज्ज़ा आ जाएगा तो फिर दिखाती हूँ आपको, अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, अगर आया तो फिर दिखाऊँगी। और बहुत लोग कह रहे होंगे कि निक्की के चाचा चाची आई हैं, वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो नहीं दिखा रहे, सोच रहे होंगे, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, लेकिन घर में मैंने कहा था कि घर में सभी लोग वीडियो में आने में हिचकिचाते हैं, वीडियो के सामने नहीं आते हैं, तो मना करते हैं, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर भी कोशिश करूँगी फिर दिखाने की। फिलहाल आज तो देखते हैं बर्थडे में क्या क्या होगा। तो ये हमारा पिज्ज़ा आ चुका है, नैनू इंतज़ार में है, और छोटी सी कोल्ड ड्रिंक मंगाई है हमने। ए नैनू खोलो रे, वाओ, ये क्या है, ये इधर देखो तो। तो अब दूसरा भी देखते हैं दूसरा कैसा है, इसमें क्या क्या डाला है इतना तो पता नहीं मुझे, सुनो भी ना। राजू ये किसका? गुन्नू का नहीं है, गुन्नू ये हमारी पिज्जा पार्टी। तो इसे अब हम खा लेते हैं, फिनिश करते हैं। पिज्जा हमारे 2 है क्योंकि 1 बाई गेट 1 था, इसलिए हमें 2 मिल गए, और मेरा बर्थडे भी ठीक उसी दिन हो गया, तो इसलिए हमने यही मंगाया। इन्होंने क्या है ये, हैं? किसने बनाया? किसने? अबू खान खाया। जोर से बोल फिर, किसने बनाया? अबू खान खाए। किसने बनाया कह रही हूँ, बुआ से बोल, बुआ मैंने खगोश बनाया बोल। किसने बनाया बताओ तो, दिखा दो इसको भी, दिखा दो नैनू। ये रैबिट निक्की के चाचू ने निक्की के लिए बना रखा है, तो निक्की के चाचू बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं क्योंकि रैबिट देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हमने तो पिज्ज़ा खा लिया, लेकिन इसी के साथ पूरी भी बन रही है क्योंकि बर्थडे के दिन तो पूरी बनती ही है, तो ये हमारी पूरियाँ। तो दोस्तों, आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज की वीडियो में हम खाने वाले हैं इडली सांभर। तो देख ही सकते हैं निक्की यहाँ पर खाने के लिए बैठी हुई है, और हम लोग भी इसे फिनिश करते हैं अब। तो दोस्तों, ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आज सुबह मॉर्निंग में हमने इडली और सांभर बनाया था जो मैंने आपको दिखाई है। तो उसके बाद मम्मी लोग भी घर में नहीं है, मम्मी लोग कहीं गए हैं निमंत्रण में सभी लोग, तो हम लोग घर में ही देवरानी जेठानी यही लोग हैं और निक्की हम सभी हैं, और बाकी फिलहाल तो जो भी होगा फिर दिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर साथी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, और आप मुझे विश करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में जाके विश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।